यार मैं ना एक्चुअली बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशंस कम ही रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा मुश्किल है अच्छा काम मिलना, अच्छा काम, अच्छी स्क्रिप्ट। तो मेरा गोल होता है मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिले, वो हो जाता है ना तो मैं उसमें बस खुश होता हूँ। पिक्चर्स के बाद क्या आप इस शो को वो शो मानते हो जो आपके लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा या सबसे करीब वो शो, ये पिक्चर्स का क्या ये वो शो है? ऑफ कोर्स मैं मानू ना मानू है ही वो शो, मैं बोल दूं नहीं मानू लेकिन ये है ही वो अरे शो। बट अपू से तो यार एक चीज, मेरी अभी बेस्ट फ्रेंड बन गई है हम दोस्ती दोनों। हो गई ना? अरे बहुत अरे दोस्ती नहीं भैया, दोस्ती के आगे से लगे मोहब्बत हो गई है, और कहीं सेक्स ना हो जाए इस बात का क्या डर। बात है। अभिलाष बहुत जल्दी घुल मिल गया, वो बहुत ही यू नो मिलनसार इंसान है। शिव को भी मैं पहले से जानता था, बहुत स्वीट है। तो एक अच्छी सी टीम बन गई, और जो बहुत ही सबके सब बहुत ज्यादा ड्रिवन थे, यू नो सबको कहीं ना कहीं अच्छा काम करने का बहुत ज्यादा मन था। लेकिन मैंने कहा जिल्लत की इतनी बारिश हुई है कि अब कुछ धुल से गए हैं, तो ओहो वही बात। क्या, अरे मेरा अबे ये मेरा क्या हुआ? फोन ही गिर गया, ओप्पो करने में मेरा फोन गिर गया। बड़ी बड़ी बातें हैं विद राजन, मेरा नाम राजन, मेरे साथ है नवीन भाई। नवीन भाई, मैंने नहीं सोचा था कि पिक्चर्स के बाद ऐसा कोई शो आएगा जो पिक्चर्स को भी टॉप करेगा। टॉप करना, देखो ये कंपैरिजन सही नहीं है कि टॉप है कि ऊपर है कि नीचे, लेकिन एक और शो जो हद से ज्यादा खूबसूरत है, और वो खासकर ऐसे टाइम के अंदर आया जब लोगों की जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही थी, तो आपने एक बार एक ऐसा शो और दे दिया जिसको देख के लोग बहुत खुश हो गए, बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत मजा आ गया, और बहुत ही ब्यूटीफुल शो आपने समाज के लिए दे दिया। तो पहले तो मैं आपको इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा बिफोर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, और यो दूसरा वेलकम मैं आपसे राजन। पूछना चाहूंगा कि क्या फीलिंग है, फीलिंग बताओ आप। राजन एक तो मुझे लग रहा है कि हम लोग लॉकडाउन तो लॉकडाउन बात करते हैं, लास्ट टाइम आपकी भी दाढ़ी थी, इस बार आपकी नहीं है ना? ऐसा कुछ है मुझे लग रहा है। कुछ दाढ़ी रखी थी, वो काम हो गया, मैंने दाढ़ी हटा ली, क्योंकि मेरे को लोग कहते हैं कि मैं वैसे तो चिकना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर ठीक है चलो, मैं बहुत नहीं परेशानी आई, छोड़ो यार। नहीं मैं तो लेजीनेस की वजह से बढ़ा रहा हूँ यार, कुछ है नहीं करने को, यू नो यू कांट रिलीज स्टेप आउट। तो अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है राजन, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत समय बाद यू नो ऐसी फीलिंग आ रही है फिर से कि यू नो एक्टर एक्टर बन गए हैं, यू नो लोग लोग जानते हैं आप एक्टर हो, तो आई फील बिलोंग्ड अगेन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, शो आया है, पसंद आ रहा है लोगों को, काफी अच्छी फीलिंग है। इस शो की जर्नी की शुरुआत करते हैं, ये शो की शुरुआत कहां से हुई, आप तक ये शो कैसे पहुंचा, कब पहुंचा? यार मैं ना दिल्ली चला गया था लास्ट ईयर लॉकडाउन में, जून में जब फ्लाइट फ्लाइट खुली तो मैं, और फिर मैं दिल्ली में ही रहा। मैं कोई काम, आई थिंक जुलाई अगस्त में कुछ कुछ शूट स्टार्ट हो गया था बॉम्बे में, बट मेरा कोई इरादा नहीं था आने का अभी, और मैं दिल्ली ही रुका हुआ था क्योंकि पेरेंट्स के साथ था, थोड़ा अनश्योर था। फिर नवंबर में आई थिंक टीवीएफ का कुछ कॉल वॉल आया एक स्केच करने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ा पैसा भी चाहिए, यू नो मेरा, मैंने कुछ कमाया नहीं था कुछ समय से, तो मैंने कहा चलो आई डू दिस स्केच। और मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे आया अब रहने के लिए आया। 4-5 दिन ही हुए थे, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया, उसने कहा कि एक शो है टीवीएफ का, उसके लिए ऑडिशन करना है। तो मैंने थोड़ा सा मुझे लगा अरे व्हाट, टीवीएफ का शो है और मुझे ऑडिशन करना है, मैंने तो पिक्चर्स के लिए भी ऑडिशन नहीं किया था। आई मीन दे नो मी तो क्या रूल है, आई मीन दे लाइक मी देन जस्ट टेक मी, नो व्हाई आर यू ऑडिशनिंग मी। तो उसने कहा सीन वही है, सीन तो ऐसा ही है। तो फिर मैंने टीवीएस में किसी को कॉल किया, शेरी को कॉल किया, श्रेयांश पांडे को। तो शेरी ने कहा कि नवीन आप तो चाहते हैं और ना आप तो बहुत चाहते हैं, यू आर राइट फॉर द पार्ट, बट जो डायरेक्टर है ही डजंट नो यू एंड ही इज नॉट इम्प्रेस्ड। उसने जो भी देखा है वो इतना श्योर नहीं है, राइटर भी इतना श्योर नहीं है कि आप इस पार्ट के लिए करेक्ट हो। तो अभी उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब जो बना रहे हैं, जो नए लोग बना रहे हैं, दिल्ली की टीम बना रही है। तो मैंने कहा ये बात भी सही है यार, उन्होंने वो तो नहीं जानते हैं मुझे, अब उन्होंने कुछ देखा होगा, नहीं पसंद आया, नहीं पसंद आया, या मे भी देखा भी नहीं है, आई थिंक अपू ने पिक्चर्स देखा ही नहीं हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे ना ये बहुत समय बाद ये अपॉर्चुनिटी आई थी। मैं तो टीवीएफ के साथ काम करने को कब से मर रहा हूँ, मतलब पिक्चर्स के बाद से एक तो टू होना था वो हुआ नहीं, तो अब ये गलती से अपॉर्चुनिटी आई है। तो मैंने कहा यार ठीक है, ऑफकोर्स आई आई टेस्ट फॉर इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू टीवीएफ का शो, इट्स बीन सो लॉन्ग एंड आई बीन डाइंग टू डू शो। तो फिर मैंने कहा यार लेकिन कम से कम मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टर के साथ ऑडिशन करूँ, आई डोंट वॉन्ट टू टेस्ट विद द अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि वो ब्रीफ, वो वहां पहुंचते पहुंचते वो खराब एक्टिंग ना हो, यू नो
डायरेक्टर जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा अगर मैं डायरेक्टर के साथ करूँ तो। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो तो दिल्ली में। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल गो टू दिल्ली। मैंने अगले दिन दिल्ली की फ्लाइट कराई, मैं दिल्ली चला गया क्योंकि मैं सच में बहुत डेस्परेट था, क्योंकि यार ये टीवीएफ का शो रोज अच्छा। मिलता नहीं और मुझे 6 साल वेट करने के बाद कुछ मिल रहा था और मुझे आइडिया हो गया था यूपीएससी के बारे में है, और तो मुझे लगा था कि ये अच्छा स्पेस है, यू नो जिस किस्म का किरदार ये मुझे प्ले करने के वो मिल रहा है या मिल सकता है। तो वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट आदमी है, ड्रिवन आदमी है, यू नो, तो उस किस्म के रोल अट्रैक्टिव तो लगते ही हैं यार, यू नो, आपकी खुद की लाइफ से भी सिमिलर होते हैं तो आपको लगता है कि अरे मजा भी आएगा करने में। तो मैं दिल्ली पहुंचा, डायरेक्टर के घर गया, डायरेक्टर ने मेरे साथ रीडिंग वीडिंग करी, फिर से गया, दोबारा बुलाया रीडिंग को, फिर रीडिंग करी, फिर दोबारा बुलाया, फिर रीडिंग करी, और वो जब बुलाता था मैं तुरंत जाता था, यू नो, इट्स लाइक बिकॉज़ आई वाज दैट। एंड देन आई थिंक फोर्थ टाइम तक उन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया एंड तब तक वो थोड़े कन्विंस हो गए थे। तो हाँ, देन आई बेसिकली उसके कुछ आई थिंक 10-12 दिन बाद मुझे एक यू नो कॉल आया था कि हाँ, ऑफर लेटर भी आ गया। अच्छा, हाँ, तो हाँ, दैट्स हाउ इट हैपेंड। तो हाँ, और जब आप ये शो के लिए, जब आपने शो के बारे में आपको बताया, आपको महसूस हो गया था कि ये बड़ा शो होगा, हुआ था कुछ ऐसी कुछ गट फीलिंग आई थी यार मुझे? सॉरी, आप पहले एक, हाँ मैंने क्या, आप थोड़ा एक दो बाइट ले लो यार, बाइट ले लो, आपने उठाया और फिर रुके, मजा नहीं। नहीं यार, प्लीज करो यार, खाने पीने में वो कमी नहीं है ब्रदर। आवाज करेगा ना, चप चप चप, नो कोई दिक्कत नहीं है यार। तो क्या हुआ यार कि मुझे लगता था कि मुझे लगता था अच्छा शो होगा, मुझे लगता मैं थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा रिजल्ट का नहीं सोचता हूँ यार, मुझे ना अच्छा, मुझे लगता था टीवीएफ का शो है, खराब काम नहीं होगा, मैं इस तरीके से सोचता हूँ। मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी थी जब मैंने ऑडिशन दिया था, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो मुझे ये था कि खराब काम नहीं होगा, बिकॉज टीवीएफ पे ट्रस्ट है थोड़ा। वो अगर देखो, ऐसा नहीं है कि उनका हर काम बहुत महान है, बट वो कुछ नई चीज बताने की कोशिश करते हैं नए तरीके से, वो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया में किसी का नहीं है। हाँ, किसी किसी भी फॉर्मूला पे काम नहीं करते हैं, तो वो एज लॉन्ग एज वो कहानियां ऑनेस्टली बता रहे हैं ना, तो मुझे मजा आता है, मुझे लगता है उनके किरदार सच लगते हैं मुझे। अब वो अच्छा चलेगा नहीं चलेगा वो मुझे नहीं पता, वो तो मैंने पिछले उसका भी नहीं सोचा था। तो मुझे कहानी अच्छी लगी, मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा, मुझे डायरेक्टर बहुत अच्छा लगा शुरू में, तो उस तरीके से सोच रहा था। फिर जब हमने बनाना शुरू किया, जब मेरा लुक बना, कॉस्ट्यूम्स आए, यू नो शूट हो रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि दिख तो अच्छा रहा है यार, शूट तो अच्छा हो रहा है, यू नो कुछ कुछ दिन ऐसा भी लगता था कि अरे एक्टिंग भी अच्छी, कुछ नया किया है, कुछ कुछ दिन ऐसा भी लगता था। और अप्पू के साथ जो डायरेक्टर है हमारे, मेरी बड़ी दोस्ती हो रही थी, मुझे मजा बहुत आ रहा था क्योंकि वो इतना इतना कूल डायरेक्टर मैंने जिंदगी में नहीं देखा, वो ऐसा लगता अच्छा। ही नहीं है डायरेक्टर है, हम सिर्फ हंसते रहते थे, चुटकले मारते रहते थे, मजाक उड़ाते रहते थे, एंड इट वाज अ। तो फिर जो एक्टर्स जुड़ते गए, उन सबसे बड़ी दोस्ती हुई यार, बड़ा प्यार हुआ। सनी और मैं होटल में रह रहा था, दिल्ली में मेरा घर है बट मैं घर में नहीं रहता था क्योंकि कोविड की वजह से, एक डर होता है ना आप घर में पेरेंट्स के पास। तो सनी बॉम्बे में था, वो तो मैं और सनी की हमारी बहुत बातें होती थी, रात भर हम बातें करते थे, दोस्ती बहुत गहरी हो गई। तो नमिता मेरी पुरानी दोस्त है, शी ऑल्सो केम ऑन बोर्ड एंड वेरी हैप्पी। तो जो पूरा सफर था, यू नो अभिलाष बहुत जल्दी घुल मिल गया, वो बहुत ही यू नो मिलनसार इंसान है, शिव को भी मैं पहले से जानता था, बहुत स्वीट है। तो बहुत एक अच्छी सी टीम बन गई, और जो बहुत ही सबके सब बहुत ज्यादा ड्रिवन थे, यू नो सबको कहीं ना कहीं अच्छा काम करने का बहुत ज्यादा मन था। अप्पू का बहुत, मतलब आई थिंक वो एक अंदर थोड़ी थोड़ी वो डेस्परेशन कई बार अच्छी होती है, मतलब वो काम में दिखती है, बिकॉज ऑल ऑफ अस वांटेड टू गिव आवर बेस्ट, यू नो एंड फिर उसी में कोशिश कर रहे थे यार। मैं कभी अप्पू कई बार सोचता था कि बहुत बढ़िया है, सनी भी कहता था कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, अभिलाष कहता था, शिवांकित कहता था, मैं और नमिता इनफैक्ट थोड़े से हम अनश्योर होते थे, हमें लगता था कि हाँ अच्छी है लेकिन कितनी अच्छी है ये नहीं पता था। तो और फिर अप्पू ने जब फाइनल प्रोडक्ट बनाया, इतना अच्छा एडिट किया, इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक डाला, यू नो देन यू नो जिस तरीके से उसने पैकेज किया,
So I was also very happy here. I was also very happy. So haan, basically the point is, I didn't know that it would be itna bada success. I had no idea about it. यार जो मैंने आप सब तक बातें की, इसमें दो बातें हैं जो दो पॉइंट मेरे को बहुत ही एक तो सबसे पहले बात जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो ये थी कि जो आपने बताया कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड इतने नहीं हो, मतलब क्या होगा ये इतना ओरिएंटेड नहीं हो आप, ये माइंडसेट आपका हमेशा से था या ये माइंडसेट डेवलप हुआ धीरे धीरे इसके अंदर रहते रहते इस करियर में, हमेशा से आप बचपन से ऐसे थे? यार मैं ना एक्चुअली बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशंस कम ही रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा मुश्किल है अच्छा काम मिलना, अच्छा काम, अच्छी स्क्रिप्ट। तो मेरा गोल होता है मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिले, वो हो जाता है ना तो मैं उसमें बस खुश होता हूँ। मैं सच में रिजल्ट नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसा, मेरे को ना ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कोई बहुत बड़े सपने नहीं है कि मेरे को यार बहुत बड़ा स्टार बनना है, उसके लिए ये हो जाए तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा, तो तभी शायद मैं हिट वेट सोच नहीं रहा हूँ। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मुझे अच्छी, तो इसलिए आई थिंक मैं इतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को और ऐसा नहीं मैं सोचता हूँ कि, क्योंकि हिट आदमी शायद तभी सोचेगा क्योंकि हो जाएगा तो उसको कुछ और चाहिए। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ब्रो? तो मैं बिल्कुल बिजी रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ अच्छा काम करूँ, लेकिन मतलब हाँ अच्छा काम करना चाहता हूँ यार। अब मेरे को ये समझ में आया कि मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो बहुत सारा काम करने का मेरा कोई शौक नहीं है। दूसरा क्या, अब जैसे बहुत सारे फेलो एक्टर्स के साथ, बहुत सारे एक्टर्स के साथ, नए एक्टर्स के साथ, स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ ही होता है कि ऑडिशन करने से ना थोड़ा डर लगता है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि आप ऑडिशन इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप नर्वस थे या डरे हुए थे, या आप ये सोच रहे थे कि मेरा तो, मेरा एक रेपो है टीवीएफ के साथ तो मुझे तो डायरेक्ट कास्टिंग होनी चाहिए, क्या वजह थी? लेकिन क्या आपको ऑडिशन करने से डर लगता है? मुझे ऑडिशन करने से बहुत डर लगता है यार, मुझे तो एक्टिंग करने से भी डर ही लगता है मेरे को। एक्टिंग देख, एक्टिंग में क्या होता है, ये तो नहीं, ये नहीं होता ना कि पता है कि हाँ चाहे मैं गंदा भी करूं डायरेक्टर मुझे चेंज थोड़ी करेगा, करवाएगा तो मुझसे ही है ना, अभी तो सेट पे आ गया। ऑडिशन में होता है कि यार अगर गंदा नहीं किया तो लेंगे नहीं, तो आई थिंक वो एक वो डर होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो डर हावी होता ही है। और हाँ, और लेकिन टीवीएफ के साथ ये पॉइंट भी था कि मुझे लग रहा था यार टीवीएफ तो अपने है यार, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, तो वो वाली फीलिंग भी थी कि यार तुमको क्या मतलब, क्या मुझे क्या 50 साल का आदमी बना रहे हो क्या जो चेक करना है? और मुझे तो सुनने में लग रहा था अभिलाष मेरी ही टेरिटरी का है, मतलब आई कैन प्ले इट, ऐसा कोई बंगाली कैरेक्टर नहीं है या यू नो कि मेरे को और टेस्ट भी वो पास का कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो प्रेजेंट आईएएस ऑफिसर देख रहे हैं, पास का टेस्ट। बट आई थिंक अप्पू को कॉन्फिडेंस चाहिए था, विच इज और खूबसूरत जर्नी हो गई ना, अगर आपको करके ही उसको छीनना ही पड़ा तो और मजा शायद बढ़ गया हो। सही कह रहा हूं? उसको मेरी डेस्परेशन पसंद आई होगी, एक्टिंग नहीं पता होगा उसको, उसको लगा होगा यार ये लड़के को जब फोन करो आ जाता है, हाँ कोई इसमें अच्छा। कोई एटीट्यूड नहीं है, इसको फोन किया हाँ भाई शाम को आ जाओ रीडिंग के लिए और ये आ गया तुरंत, इतना वेला है। तो आई थिंक उसको वो सिंसियरिटी पसंद आई होगी, मुझे जहां तक लगता है। मैं मुझे लगता है कि एक्टिंग नहीं आएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि काम तो अच्छा, कह रहे उन्होंने आपका काम इतना देखा नहीं था जैसा आप बता रहे। हाँ, मतलब जो भी देखा था वो पसंद नहीं आया था आपको। आप घर में बहुत ऐसा नहीं हो सकता है, पसंद तो आया होगा, देखा कम होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं। आपको को ये भी लगता था, आपको को लगता है कि हम लोग ना कभी एक अवार्ड सेरेमनी में मिले थे जिसमें मैं बोस के लिए आया हुआ था और आपू शायद फ्लेम्स के लिए आए होंगे, तो आपू ने कहा कि उन्होंने मेरे को हाई वाई किया था और मैंने ऐसे बिहेव किया एज इफ आई एम अ बिग स्टार, और मुझे याद ही नहीं आया। मैं तो इसलिए मेरे को कोई हाई वाई करता हूँ, मैं तो सीने पे हाथ रख लेता हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कोई हाई बोले तो सीने पे हाथ रख लो, सीधा झुक जाओ। अरे भाई, अरे मैं बड़ा यार, मेरे को कोई हाई करता है, मैं हाई करता ही हूँ, मुझे मुझे ध्यान ही नहीं है कि आप ये कौन सा मोमेंट है, आई हैव नो मेमोरी ऑफ इट। तो हाँ, अप्पू के दिमाग में ये था, फिर अप्पू ये भी कहता था कि मैं एक बार दिल्ली ऑफिस आया था पिक्चर्स के बाद और मैंने अप्पू की तरफ देखा भी नहीं, तो ये सब बातें। नवीन भाई ये थोड़ा पता करवा लो, हो सकता है 10-12 डायरेक्टर्स इसी चक्कर में ना कास्ट कर रहे हो आपको कहीं। नहीं नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगता है यार, मेरा जो थोड़ा कैजुअल लेड बैक का एटीट्यूड है ना, मैं कई लोगों को यू नो बिना चाहे हर्ट कर देता हूँ, बट अब यार वो क्या उसका, वो तो आपको पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, इंस्टाग्राम पे आप हफ्ते के एंड में एक बार एक वीडियो बना के डाल दिया करो कि भैया अगर मैंने किसी को हाय नहीं बोला हो तो बुरा मत मानना, मैं बिजी था, सोच में गुम था अपनी, नहीं तो लोग बेचारे इसी चक्कर में। नहीं लोग तो यार लोग हाँ यूर राइट एक्चुअली, लोग आप घर में भी बैठे हो ना कई बार, तो कुछ लोग तो आप उनको 6 महीने तक कॉल नहीं करो तो वो बुरा मान जाते हैं कि, लेकिन अब सभी लॉकडाउन में हैं
विच इज वियर्ड नो, अभी आप तो बिना हाई करे भी बुरा वो भी, तो अब उस चीज को आप कैसे हेल्प कर सकते हो यार, किस किस को आप? हाँ चलो ठीक है, बट अपू से तो यार अभी बेस्ट फ्रेंड बन गए हम, दोस्ती हो गई ना? अरे बहुत दोस्ती नहीं भैया, दोस्ती के आगे चले गए, मोहब्बत हो गई है, और कहीं सेक्स ना हो जाए। अरे क्या बात है क्या बात है क्या बात है। अच्छा मेरे को एक चीज लगती है आपके बारे में, एक मतलब एज एन एक्टर आपके क्राफ्ट को तो हमने सबने देखा, और मतलब अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम आप दुनिया के बेस्ट एक्टर, लेकिन काफी मजबूत क्राफ्ट है आपका। लेकिन अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आपको मिल जाए ना, जहां पे उससे कुछ नहीं हो रहा है और उसे कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, उस कैरेक्टर को तो आप तोड़ ही देते हो। मतलब आप जब ये बोल देते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो यकीन हो जाता है कि नहीं ही होगा, और जब आप ये बोलते हो कि हो जाएगा, तो लगता है कि हो ही जाएगा। तो ये स्पेस के बारे में आपको कुछ लगता है अपने बारे में? नहीं यार, ये चीजें मुझे लगता है ना देखने में बड़ा मजा आता है, और मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे इस किस्म के किरदार मिल गए हैं, कि एक आदमी जो कुछ ड्रिवन है, जो कुछ अचीव करना चाहता है, और यू नो वो अपना बेस्ट दे रहा है वो अचीव करने के लिए, ये देखने में लोगों को बड़ा मजा आता है। आई थिंक सब कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं, क्योंकि हर कोई लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है कुछ ना कुछ पाने के लिए, तो आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट विद दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर। सो मैं ऐसा कहूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया है, मुझे लगता है मैं लकी हूँ, मुझे उस किस्म की चीज मिल गई है। आई थिंक मेरे अलावा कोई और भी करता तो मोर और लेस इतना ही इफेक्टिव होता वो, आई हैव अ फीलिंग, बिकॉज़ इट्स आपको सच में ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत अच्छा किया? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई कई जगह कहानी में कुछ नया किया है, जो मुझे मेरी खुद की लर्निंग लगती है, मैं कुछ चीजों को लिख करके मेरे को बड़ा मजा आया है। और अप्पू का बड़ा कॉन्फिडेंस रहता था यार, अप्पू बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, मैं नहीं हूँ, यू नो मुझे बस, मेरे को अपना बस वाला सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगता है, वो मेरे को अच्छा लगता है, और भी कुछ एक दो चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, बट कई चीजों के बारे में मैं श्योर नहीं होता था, लेकिन अप्पू कहता था बहुत बढ़िया किया है, तो फिर मुझे लगता था फिर अच्छा ही होगा। आप अपने आप से जो कॉन्वर्सेशन करते हो, वो उसकी लैंग्वेज क्या होती है? आप अपने आप से ऐसे बात करते हो कि यार नवीन यार तू कमाल का एक्टर है, कमाल का एक्टर है, या फिर वो कॉन्वर्सेशन की थी यार यार मेहनत करनी पड़ेगी यार, ये तो नहीं, कुछ कमी है, कुछ कमी, कैसी कॉन्वर्सेशन आप अपने आप से करते हो? मुझे कमियां ज्यादा दिखती है यार, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है सच पैदा करना, तो मुझे हाँ वो चीज है, मुझे मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब मन है, बहुत मन है कि अच्छा एक्टर बन जाऊं यार, बहुत अच्छी एक्टिंग कर दूं, उसका मन बहुत है, लेकिन वो मतलब वो कोई फॉर्मूला नहीं है यार मेरे पास, मैं बड़ा नर्वस एक्टर हूं, तो जो वो बस वाला सीन भी है वो भी उस मोमेंट तक नहीं पता था कि क्या होने वाला है, यू नो इतने सारे लोग थे और आपको अप्पू ने बता दिया था कि थोड़ा सा तो यार रो लेता, थोड़ा सा तो कुछ, और कोई लाइन नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, यू नो मुझे पूरा वो मूवमेंट करना है और फिर एक टाइम पे भावुक होना है, तो वो थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट था, मेरे दिमाग में मैं डरा पड़ा था, वो करेक्ट नहीं भी हो सकता था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि कुछ ऐसा मोमेंट में मैं कर पाया, तो हाँ इट्स हाँ मतलब आई एम ऑलवेज वेरी अनश्योर ऑफ इट यार, आई डोंट थिंक आई एम अ ग्रेट एक्टर, बट आई वॉन्ट टू बी वेरी गुड, आई वॉन्ट टू बी एज रियल एज पॉसिबल, दैट इज द थिंग। या एक बात बताओ आप मुझे, जब कभी आपके साथ ऐसा होता है सेट पे, लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करता हूँ तो जितना मेरे को समझ आता है, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा टेक होने लग जाते हैं किसी सीन के, तो क्या आपको अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि यार आपको सेल्फ डाउट या फिर आपको एम्बैरेसमेंट ऐसा कुछ होता है, या आप उस चीज से वाकिफ हो कि नहीं यार ये तो प्रोसेस है? नहीं नहीं यार, ये तो सबके साथ होता है यार, अरे किसी को भी हो जाएगा, कोई भी नर्वस हो जाएगा ज्यादा टेक हो जाएंगे तो, मतलब मैंने आपको बड़े बड़े एक्टर्स को हिलते हुए देखा है, अगर आपके ज्यादा टेक हो गए ना, बड़े बड़े एक्टर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है यार, तो हाँ वो होता ही है। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि चाय टपरी का सीन था ना, वो शुरू का ही चौथा या पांचवा सीन था, पांचवा दिन था आई थिंक, तीसरा या चौथा दिन भी हो सकता है, जो मेरा और धैर्य का सीन है, जब मैं धैर्य को ले जाता हूँ वहां पे चाय पिलाने के लिए, आई थिंक सिर्फ एक वही सीन है जिसमें थोड़े ज्यादा टेक हुए होंगे, तो उसमें जो मैं कर रहा था ना ज्यादा, मतलब मजा नहीं आ रहा, पता नहीं कितने टेक हुए होंगे, 10 हो गए होंगे शायद, आई थिंक मुझे याद है ब्रेकअप सीन हो गया था, तीन टेक्स में, तो वो माहौल ही ऐसा बना देता है, तो इवन मेरा और जो गुरी का जो लड़ाई वाले सीन्स है वो भी जल्दी हो गए थे, यू नो मेरे और धैर्य के सीन्स भी मोरलेस मतलब हाँ हो जाते हैं, जो मैं अपने सीन्स की बात बता रहा हूँ,
शॉर्ट्स भी होते हैं ना डिफरेंट हर शॉर्ट पे, तो हाँ आई थिंक उस वो चाय टपरी वाले सीन में ना आई थिंक बड़ा सिंपल सा सीन है यार कि आपकी चाय चलो पी लो, मतलब झूठी है जहरीली थोड़ी, वो वाला जो सीन, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट सीन, ऑफ कोर्स आई डू, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन था नहीं, इट वाज अ वेरी सिंपल, तो मैं शायद सिंपल ऑकवर्ड शाय इंसान की तरह कर रहा था, बट अप्पू वांटेड इट टू बी मोर लाइकेबल, ही वांटेड, वो चाहता था कि थोड़ा और स्माइल करो, यू नो थोड़ा एक्साइटमेंट और विजिबल हो, और आई थिंक मैं थोड़ा सा आई वाज, मैं थोड़ा शाय हो रहा था, मतलब मैं थोड़ा आई वाज, मुझे थोड़ा लाउड होने में डर लग रहा था, तो लेकिन जब अप्पू को पकड़ ही नहीं आ रहा था, देन आई थॉट के जस्ट फक इट, आई मीन फक अबाउट ओवर एक्टिंग करो, मतलब थोड़ा फैल जाओ, और एक्चुअली वो फैले वाला इज बेटर, जब मैं वो फैल के भी मुझे वो अननेचुरल नहीं लग रहा, वो आई मीन व्हेन आई सी इट, आई मीन आई थिंक ज्यादा हंस रहा हूँ, ज्यादा खुश हूँ, ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट वो कैरेक्टर में कुछ ऐड कर रहा है, तो आई थिंक ये अप्पू के ही एडिशंस हैं, बिकॉज मैं थोड़ा सा अंडर प्ले कर रहा था, यू नो मेरी आदत है थोड़ा सा अंडर प्ले करने की, बट आई थिंक उसमें कैरेक्टर को एक नया डायमेंशन मिला, और उस दिन के बाद से मैं भी थोड़ा सा अभिलाष को और समझा, तो मैं कहीं ना कहीं वो आई वाज, मैं कई जगहों पे हंसने की कोशिश कर रहा था, यू नो एक स्माइल करने की कोशिश कर रहा था, जहां पे शायद लिखी नहीं भी थी, रिक्वायर्ड नहीं भी थी, बिकॉज आई थॉट कि वो एक 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 चाइल्ड लाइक यू नो चीज ऐड कर रही है एक यंगर अभिलाष में, सो आई थिंक विच वॉज गुड एंड इट वर्क्ड फॉर द पार्ट. So, एक सवाल है मेरा, मुझे नहीं पता ये सही सवाल है गलत सवाल है, बस मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा कि पूछ लेता हूँ, है ना, पूछो ना यार, और कोई कंपैरिजन भी इसका सही बात है नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है आईएएस बनना ज्यादा मुश्किल है या एक्टर बनना ज्यादा मुश्किल है? काफी मुझे पता है ये भाई नहीं नहीं बिल्कुल भाई आप नहीं, मैं बिल्कुल सोचता हूँ यार, क्योंकि एक्टर भी क्या होता होगा, हर साल 8 लाख लोग आते होंगे, उसमें से हजार ही बनते होंगे, पता नहीं उतने भी ना बनते हो एक्चुअली, यू नो हजार भी मतलब हजार में से मेरे ख्याल से 30-35 ही ऐसे बनते होंगे जिनका कुछ करियर टेक ऑफ करता होगा, हजार तो बस करेक्ट, काम मिल जाता होगा, नहीं हाँ आई थिंक ये कहना मतलब इट्स अ करेक्ट कंपैरिजन, आई एम नॉट डिनाइंग इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एन एक्टर आल्सो, अ सर्वाइविंग एक्टर, देखो आईएएस बनना बहुत मुश्किल है, बट एक्टर तो फिर अनस्टेबल है ही यार, आप बन के भी आप आउट ऑफ जॉब हो सकते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बन गए उसका कोई मतलब, मतलब अगर आप कहो कि कितने लोगों का स्टेबल करियर रहेगा, यू नो आउट ऑफ यू नो 1 लाख हु कम टू बॉम्बे एवरी ईयर और मे बी मोर देन दैट, उसमें से किन लोगों का स्टेबल करियर रहेगा, तो आई थिंक परसेंटेज आईएएस से भी, और कोई रूल बुक भी नहीं है ना, मतलब आईएएस में तो शायद आपको पता है कि आपको पढ़ना है और पढ़ के ही आप बन पाएंगे, इसमें तो आपको पता भी नहीं है ना कि आप क्या कर लेंगे आप बन जाएंगे, पता है यार, लेकिन आईएएस में फिर आप, लेकिन अगर आप उतनी मेहनत करोगे ना एक्टिंग के लिए, तो फिर आप बन जाओगे, एक्टर होते हैं निकम्मे, वो करना नहीं है, उनको उनको चांस चाहिए, उनको कि किस्मत किस्मत हमारी चल जाए, तो किस्मत के चक्कर में एक्टर करे क्या, करे क्या, करता रहे एक्टिंग, करो थिएटर करो, अपनी क्राफ्ट बेटर करते रहो, मतलब मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे से खुद कुछ होता नहीं है, लेकिन नहीं ऐसा कैसे, नहीं मेरे कहने का मतलब एक्टर करे यही यार, एक्टिंग की तैयारी, आईएएस की तैयारी भी क्या है, अकेले बैठ के किताब पढ़ रहे हैं लोग, तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं है रिजल्ट होगा या नहीं होगा, हम में से कितने लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो वर्कशॉप्स कर रहे हैं, जो नौकरियां छोड़ के बैठे हैं, जो लाइमलाइट से दूर रह सकते हैं, हम सब पैरेलल और जॉब्स पकड़ लेते हैं, यू नो कोई एंकरिंग कर रहा है, कोई कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया है, तो और लेकिन कहते हैं हमें एक्टर बनना है, तो फिर थैंक यू, सब सब कुछ छोड़ छाड़ के एक्टिंग करनी पड़ेगी यार, वो रिस्क और मेजर, साइन करो, अभी आदर्श गौरव को देखो, उसने ही इज सच अ फाइन एक्टर, बट वो कितना वर्कशॉपिंग करता है, वो उसने बीच में ड्रामा स्कूल बॉम्बे ज्वाइन किया, उसका एक इंटरव्यू है गुफ्तगू का, वो जरूर देखना यार, मुझे बड़ा मजा आया देख के, सो ही इज वर्क सो हार्ड एंड दैट्स व्हाई आदर्श गौरव की परफॉर्मेंस देखो आप व्हाइट टाइगर की यार, इट्स कमेंडेबल यार, आई थिंक इफ यू रेडी टू वर्क दैट हार्ड ना, तो फिर आईएएस से इजी है एक्टर बनना, अगर आप उतनी मेहनत, जितनी आईएएस बनने की लिए मेहनत करते हो, हम एक्टर करते क्या है, घर में आके यहाँ वेट करते हैं, अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है यार, अब तो वेब है और पता नहीं क्या क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर पार्ट में काट के डाल दू ना तो ये एक और फेमस स्पीच हो सकती है, मुझे बहुत ही पार्ट में काट के डाल दूंगा,
ये पार्ट तो मैं अलग से काट के डालूंगा कुछ. मुझे एक सवाल और है जो थोड़ा सा डीप भी हो सकता है और थोड़ा सा सूडो भी हो सकता है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ. सवाल ये है क्या अरे यार थक गए ना यार आप. मुझे बड़ा मजा आता है सूडो और डीप दोनों बातें करने में. किरदार करने के बाद कुछ सवाल मैंने सुना है हॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत लोगों को पूछते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा सवाल लगता है. कुछ ऐसा हुआ कि आपके अंदर कुछ बदला हो, आपने कुछ किरदार को दिया हो, या मतलब किरदार को तो आपने सब कुछ ही दिया है, किरदार ने कुछ आपको दिया हो. खैर ना सूडो है कुछ तो हुआ होगा. अगर आप किरदार ने मुझे लोग दिए हैं और मैं फर्म बिलीवर हूँ उस थॉट का जो फिफ्थ एपिसोड में संदीप भैया कहते हैं कि हम लोग जो ड्रीम्स और पैशन के पीछे भागते रहते हैं ना और उसके चक्कर में हम सैक्रिफाइस कर देते हैं सब कुछ, वो वर्थ इट नहीं है. आई मीन इफ यू सैक्रिफाइसिंग योर लव्ड वन, ये मैं वैसे ही फर्म बिलीवर हूँ इस थॉट का. और वो और ज्यादा पहले से मान देते हैं. हाँ मैं पहले से मानता हूँ कि हम अक्सर पैशन की कहानियां सुनाते हैं और सपनों को अचीव करने की कहानियां सुनाते हैं सबको, सैक्रिफाइस की कहानियां. सैक्रिफाइस को हम ग्लोरीफाई करते हैं बट आप अपनी लाइफ एक्चुअली डिफिकल्ट कर रहे हो जिन पे आप खुश होते हैं. सैक्रिफाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव समथिंग बट उन चीजों को अचीव करने से मिलेगा क्या? क्या आपका ईगो सैटिस्फाई हुआ है या आप देश के लिए बहुत मर रहे थे कुछ करने के लिए? यू नो क्या उसके आगे की लाइफ अगर आपकी बहुत मेजरली डिफिकल्ट हो गई है तो क्या वो अचीव करके आपने क्या अचीव कर लिया? Yes, absolutely. कहानी में कहीं ना कहीं जब हम एंड करते हैं तो गुरी इज हैप्पियर पर्सन देन अभिलाष और संदीप भैया. इज ही नॉट? आई मीन व्हाई इज ही अ हैप्पियर पर्सन? वो तो नहीं बना ये. तो हाँ तो मेरे मुझे आज भी हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे कॉमन पीपल आर लिविंग बेटर लाइफ देन अ लॉट ऑफ ह्यूज स्टार्स. यू नो इट इज ट्रू, इट फैक्ट है. बिकॉज आपकी बेसिक खुशियां जो है ना वो आपके लव्ड वन से आपको मिलती है, वो करियर से नहीं मिलती है. वो यू नो सपनों को अचीव जो सपने 20s में जो सपने लगते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वो बाद में ऐसा लगता है कि फैमिली होना सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके जो लव्ड वन हैं वो करीब होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हाँ वो आई थिंक वो और आई थिंक दैट द शो ऑल्सो सेज दैट एंड आई फर्मली बिलीव इन दैट थॉट. पिक्चर्स के बाद क्या आप इस शो को वो शो मानते हो जो आपके लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा या सबसे करीब वो शो इस पिक्चर्स का, क्या ये वो शो है? ऑफ कोर्स मैं मानू ना मानू है ही वो शो. मैं बोल दूं नहीं मानू लेकिन ये है वो शो. सबको दिख रहा है वो, मैं मानू ना मानू क्या फर्क पड़ता है उससे यार. मैं मना भी कर दूं कि मैं नहीं मानता लेकिन है ही वो शो अभी. बहुत बहुत एटीट्यूड में आया जवाब, मजा आ गया. बहुत ही आगे का क्या सोचा है? कुछ सोचा है आगे का या अब जो होगी देखी जाएगी या कुछ आ रहे हैं बड़े बड़े ऑफर कुछ? यार अभी कुछ मैसेजेस हैं, कुछ एक दो स्क्रिप्ट्स भी हैं बट आगे के काम का मैं इतना नहीं सोचता. मुझे लगता है कि ये तो क्या बोलते हैं चक्कर चलता रहेगा. अच्छा काम आएगा फिर कोई काम आएगा पसंद नहीं आएगा फिर थोड़े टाइम में फिर कोई इंशाल्लाह कोई अच्छी चीज होगी. आई थिंक इट हैज बिकम अ साइकिल एंड यू जस्ट हैव टू बी एट इट. You just have to keep working and you know, ये जर्नी को ही enjoy करते रहना चाहिए. आप ऐसा philosophy पढ़ते हो बहुत ज़्यादा? ऐसे मैं just पूछ रहा हूँ ऐसी philosophy या नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ नहीं पाता यार, ये natural है. life से सीखा हुआ आदमी है यार. इतने धक्के खाए हैं जीवन में अभी सब सीख गया हूँ. जिंदगी की बारिश. हाँ जिल्लत की इतनी बारिश हुई है कि अब कुछ ढूंढ से गए हैं. जिल्लत की इतनी बारिश हुई है कि अब कुछ धुल से गए हैं. अबे ये क्या मेरा फोन ओप्पो करने में मेरा फोन गिर गया. नवीन भाई थैंक यू सो मच for doing this with us. मैं देखो पिछली बार आपको एक दुआ दी थी, मैं हर बार सबको देता हूँ, अभी मैं वापस से दे देता हूँ. लेकिन जो आप चाहो जितना आप चाहो जैसा आप चाहो जिस तरह का काम आप चाहो जितनी खुशियां आप चाहो सब आपकी जिंदगी में परफेक्ट होता जाए, काम आपका इससे भी और ऊपर के लेवल का आता जाए. इससे और ऊपर का लेवल क्या है मुझे पता नहीं लेकिन फिर भी मैं कह दे रहा हूँ बट आपको मजा आना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए. आपको मजा आएगा तो हमें पता है हम आपको मजे कराते रहोगे. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस नवीन भाई. और फक्र है कि ऐसा शो. थैंक यू सो मच राजन, सेम टू यू आल्सो, यू वेरी स्वीट. आई मतलब बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया. I hope everything that you also want, you get that, you know.